दोस्तों 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति यानी कि गुरु और इंग्लिश में हम जिसको जुपिटर बोलते हैं वो रेट्रोग्रेड मोशन में आ रहे हैं। अगर हम उसको पृथ्वी से देखेंगे यानी कि हमें लगेगा कि बृहस्पति जो है वो पीछे आ रहे हैं, पीछे की तरफ यानी कि रेट्रोग्रेड मोशन में। अब इस दौरान जब ग्रह रेट्रोग्रेड मोशन में आता है तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए रेट्रोग्रेड मोशन में जब बृहस्पति आता है तो आपको ये तीन चीजें आपको जानना है कि इसके तरफ आपका फोकस होना चाहिए। पहली चीज क्या है, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। देखिए हम लाइफ में बहुत प्लान्स करते हैं, ठीक है ना, लाइफ में हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन कहीं पे जाके हमारे को वो नीड होती है कि हम अपने आप को देखें कि कहाँ पे हमसे गलतियां हो रही हैं और उस चीज को सुधारें। ये टाइम है आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, अपने आप को जानने का, सेल्फ डिस्कवरी का। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि टू रिवैल्यूएट योर लॉन्ग टर्म गोल्स, कि आपने एक लक्ष्य बनाया कि मैंने यहां पे जाना है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और बृहस्पति महाराज जब वक्री हो रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को रीअसेस करिए, क्या ये रियली में अचीवेबल है, क्या आपने कुछ सोचा है और वो अनअचीवेबल चीज है, तो उस चीज को रीअसेस करिए और अपने टास्क और अपने गोल्स को अचीवेबल बनाइए और उनकी तरफ नई दृष्टिकोण से उनकी तरफ आप काम करने का सोचिए, नया प्लानिंग करिए, नई चीज के ऊपर काम करिए। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो एजुकेशन का, नॉलेज का ग्रह है और आपको ये बताता है जब वो वक्री होता है कि आपको रीअसेस करना है कहां पे, अपनी एजुकेशन को। देखिए लाइफ में हम नई नई चीजें हमेशा सीखते हैं और ये सीखना भी चाहिए, लेकिन क्या होता है कई बारी जो है हम लाइफ में हमारी नॉलेज जो है वो स्टेल हो जाती है और जब कोई भी चीज स्टेल हो जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी तरह से हमारी अगर नॉलेज स्टेल हो गई है, उसके अंदर वो बहुत पुरानी है और उसके अंदर वो चीज नहीं है जो आज की डिमांड है, तो जब भी जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा आपको आपको एक आपके डिजायर होगी कि मेरे को अपनी एजुकेशन को, नॉलेज को, चाहे वो थ्रू आप किसी ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू करें या आप जाके इंस्टीट्यूट में जाएं, या अगर आप यंगस्टर हैं तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कोई सीनियर है तो आप इंटरनेट के ऊपर भी जाके आप नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, आप वो सीख सकते हैं। तो ये जो चीज आपको लगता है कि भाई ये मेरे को ये नॉलेज मेरी में अपडेट होने वाली है, तो जुपिटर पीरियड में आपको वो जरूर उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बिकॉज जब जुपिटर की रेट्रोग्रेशन खत्म होगी यानी कि जब जुपिटर डायरेक्ट होगा, वो चीजों जिनके ऊपर आज आप फोकस कर रहे हो वो आगे जाके यानी कि 2024 में आपको वही चीजें आपको आगे लेकर जाएंगी, आपको लाभ देगा। जो जुपिटर है वो प्लैनेट ऑफ नॉलेज, प्लैनेट ऑफ वेल्थ, प्लैनेट ऑफ फॉर्चून, प्लैनेट ऑफ अबंडेंस, प्लैनेट और स्पिरिचुअलिटी। तो जिस चीज के ऊपर आप इस टाइम पे फोकस करोगे वो चीज मल्टीप्लाई करके आपकी लाइफ में 2024 में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। थैंक यू।